नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं स्वराज एयर कूल 5 KVA जनरेटर की। तो आइए देखते हैं कि इसमें जनरेटर में क्या क्या लगा हुआ है और क्या क्या खासियत है। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटर का बता देता हूँ। स्वराज का ऑल्टरनेटर है, KVA 5 है, फेज सिंगल है, हर्ज 50 है, RPM 1500 है, वोल्टेज 230 है। और जैसा कि मैंने बताया कि PDPL का निशान होता है स्वराज के जनसेट पे, ओरिजिनल स्वराज के जनसेट पे PDPL का निशान होता है। ये आपका नीचे इनपुट है, ये आपका सप्लाई हो गया, ये आपका बल्ब है जो आपको वोल्टेज दर्शाता है, करंट दिखाता है आउटगोइंग का। और ये डायोड सेमी ब्रशेस ऑल्टरनेटर है, तो यहाँ पर डायोड लगा हुआ है आपका, और अंदर में आपका दिख रहा होगा जो स्लिप रिंग लगा हुआ है, कार्बन ब्रश सेमी ब्रश लेस है, तो ये डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, अंदर में स्लिप रिंग है। और ये देखिए प्योर कॉपर का ये वाइंडिंग होता है इस ऑल्टरनेटर के अंदर, जो कॉपर का जो वायर यूज़ किया जाता है वो भी इंडिया में जो सबसे बेस्ट कंपनी का जो तार होता है कॉपर का, वो कॉपर के तार से इसे वाइंडिंग किया जाता है। स्वराज के जो बेस्ट इंजीनियर होते हैं उनकी देखरेख में, तो देख सकते हैं आप काफ़ी मजबूत इंजन होता है ये 5 KVA का और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये आपका कपल हो गया जो इंजन के साथ में इसे कपल किया गया ऑल्टरनेटर को, तो देख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं जो ग्रुप दिख रहा है जिसमें रेडिएटर लगा होता है, उसमें इसी ग्रुप से फैन बेल्ट को घुमाया जाता है। और जैसा कि स्वराज का लोगो लगा हुआ है, और ये आपका लिफ्टिंग हुक हो गया जिसे उठा के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो उठाने के लिए, क्योंकि बहुत वेट हेवी वेट होता है ऑल्टरनेटर का, इसलिए हुक लगा होता है कि आपको कहीं भी ले जाने जाने में कोई तकलीफ़ ना हो। और ऑल्टरनेटर में 4 बोल्ट होते हैं जिससे फाउंडेशन को टाइट किया जाता है, और इंजन में 4 बोल्ट होते हैं, टोटल 8 बोल्ट होते हैं। और ये जो व्हील देख रहे हैं आप, ओरिजिनल स्वराज का व्हील है और काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये फ्रेम देख रहे हैं आप इंजन का, ये भी कंपनी से बन के ही आता है, ना कि लोकल हार्डवेयर के दुकान में या फैब्रिकेशन का बस बनाया जाता है, ये डायरेक्ट कंपनी बना के स्वराज इंजन के लिए ही स्पेशल भेजती है। ये जो फ्रेम दिख रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप ये एरो का निशान देख रहे हैं कि इंजन को आपको क्लॉकवाइज की दिशा में घूमता है, इसीलिए इसे एरो का निशान है। ये इसका कॉलिंग हो गया, क्योंकि ये एयर कूल्ड इंजन है तो ये इसका कॉलिंग हो गया। ये इसका लीवर हो गया जिससे आप ये स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं। और इसका फ्यूल टैंक हो गया जिसमें आराम से 10 लीटर तेल आ जाता है, सीधा नोजल में आता है, सप्लाई नहीं, ये इसका रिटर्निंग सप्लाई का हाई प्रेशर पाइप ही है। ये आपका लीवर हो गया, जैसे कि आप जानते ही हैं, ये PDPL का निशान आप देख रहे हैं इंजन के ऊपर। इसका टैपट कवर हो गया, यहाँ से लुबल डालेंगे, इसे खोल के अच्छे से आप लुबल डाल के फिर इसे बंद कर देंगे। और इंजन का स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, मॉडल PV4 है, किलोवाट 5.9 है, PHP 8 है, रेटेड स्पीड 1600 है, गवर्निंग क्लास ऑफ गवर्निंग V1 है, SFC 251 है। आप इसमें लूबर डालेंगे, 30-40 मल्टीग्रेड डालेंगे, फ्यूल यूज़ करेंगे हाई स्पीड डीजल ISIMR का इंजन के ऊपर लगा हुआ है। तो काफ़ी शानदार इंजन है यह, काफ़ी मजबूत है। तो स्वराज का हर जगह आपको लोगों मिल जाएगा। तो ये एयर कूल्ड इंजन है,
एयर कूल्ड इंजन की खासियत यह होती है कि आपको मेंटेनेंस कम करना पड़ता है। रेडिएटर वाले में कूलेंट भी देखो, फैन बेल्ट देखो, फैन देखो, रेडिएटर देखो, लेकिन एयर कूल्ड इंजन में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको लूबल डालना है और चलाना है। लूबल डालना है और चलाना है। चलाने से पहले बस लूबल का ध्यान रखना है कि लूबल है या नहीं है, अगर कम हो तो डाल दीजिएगा। और ये आपका हेड हो गया, जिसमें आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और इंटेक मैनिफोल्ड दोनों फिट होता है, जो अलग से रखा होता है जब इंजन डिस्पैच होता है तो उस समय एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और इंटेक मैनिफोल्ड, जैसे कि एयर कूलर और आपका साइलेंसर फिट किया जाता है। और इसमें देख सकते हैं आप कि ये आपका पंप हो गया, जो बॉस कंपनी का, ऐसा मैं दिखा पा रहा हूँ। और एयर कूल्ड इंजन में ज़्यादा टेंशन होता नहीं है, तो घर के लिए बेस्ट है। और आप अंडर प्रेशर इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ निर्देश दिया हुआ है, इसको पाया हुआ आपको फॉलो करना है। तो ये 5 KV का एयर कूल्ड स्वराज का इंजन है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इसके बारे में आपको सारी जानकारी आपको रिप्लाई करूँगा। यहाँ भी आपका कुछ निर्देश है वो लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लीजिएगा उसे ध्यान से। और अल्टरनेटर के पीछे भी प्रेडिक्टर का निशान जैसा होता है, मैंने बताया, लिखे ये पीछे भी है। और 5 KV का इंजन काफ़ी खूबसूरत होता है एयर कूल्ड का, और बहुत शानदार होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको तो कमेंट करके बताइएगा। लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।